बॉलीवुड इंडस्ट्री में बहुत सी खूबसूरत अदाकारा हैं जो अपने घर को सवारने के लिए काफी घर तोड़ती हुई सामने आई हैं। आज अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको बताने वाले हैं उन सभी खूबसूरत एक्ट्रेसेस के बारे में जो कि एक मैनेज ब्रेकर का काम करती हुई नजर आई अपने इस प्रोफेशनल और पर्सनल करियर में। सबसे पहले इस लिस्ट में नाम शामिल होता है कंगना रनौत का, जो इस वक्त काफी ज्यादा चर्चाओं में बनी हुई है। पहली बात तो ये की आ रही है उनकी अपकमिंग फिल्म जजमेंटल है क्या, जिसमें वो नजर आने वाली है एक साइको लड़की के किरदार में। तो वहीं अपनी रियल लाइफ में भी उनको टैग दिया जा चुका है एक साइको लड़की का, क्योंकि हर बार ही वो नजर आती है किसी न किसी के बारे में बयान देते हुए, जैसे कि अपने एक्स बॉयफ्रेंड आदित्य पंचोली को लेकर वो बयान दे रही है। यहाँ आदित्य पंचोली फंस चुके हैं केस के अंदर और ऐसे में आदित्य के बारे में न जाने कितना कुछ कह चुकी है कंगना। तो वही कंगना की दूसरी कॉन्ट्रोवर्सी आती है जहाँ वो मैरिज ब्रेकर का काम करती हुई नजर आई ऋतिक रोशन और सुजैन खान की जिंदगी में। आप सभी बेहद अच्छे से जानते हैं कि कितने ही ईमेल वो बाहर लेकर आई, इसी के साथ उन्होंने न जाने कितनी तरह की ही ऋतिक रोशन को लेकर बातें की और कह दिया कि ऋतिक ने उन्हें धोखा दिया या उनके साथ शादी करने के वादे किए, मगर देखिए अपने शादी को तोड़ने के बावजूद भी अब वो मुझसे शादी नहीं कर रहे। यहाँ पर ये कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट हो दी गई और आज के वक्त में भी कंगना बिल्कुल भी थम नहीं रही है ऋतिक रोशन की पर्सनल लाइफ में दखल अंदाजी करने से। ऐसे ही इस लिस्ट में नाम शामिल होता है शिल्पा शेट्टी कुंद्रा का भी, जो कि रिश्ता तोड़ती हुई नजर आई थी राज कुंद्रा और कविता कुंद्रा का। इन दोनों की जिंदगी काफी अच्छी चल रही थी, लेकिन राज कुंद्रा को प्यार हो गया शिल्पा से। अब शिल्पा को ये चीज पहले से ही मालूम थी कि कविता के साथ अच्छी खासी जिंदगी बिता रहे हैं राज, लेकिन उनका ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर उनके रिश्ते को तोड़ सकता है। लेकिन शिल्पा ने सिर्फ अपने प्यार पे ध्यान देते हुए उस रिश्ते की कभी परवाह नहीं की और शादी के वक्त काफी ज्यादा कॉन्ट्रोवर्सी में उमघिर गई। अब आती है तीसरे नंबर पर रवीना टंडन। अब भाई टिप टिप बरसा पानी से उन्होंने अपने हुस्न के जलवे बिखेरे हर किसी को काफी ज्यादा इंप्रेस कर दिया, मगर रवीना को काफी ज्यादा यहाँ कॉन्ट्रोवर्सी में भी पाया गया अपने लव रिलेशनशिप के कारण। और ऐसे में वो अपनी खूबसूरती के जलवे जहाँ बॉलीवुड इंडस्ट्री में बिखेर रही थी, ऐसे में रवीना के कायल हो चुके थे अनिल धंदारी, जो कि पहले से ही शादीशुदा थे। रवीना के प्यार में वो इस हद तक पागल हो चुके थे कि उन्होंने अपना पहला रिश्ता तोड़ने की पूरी हद तक कोशिश की, जिसमें वो कामयाब भी रहे। और लेकिन बात तो ये अच्छी है कि रवीना के साथ आज वो काफी ज्यादा हंसी खुशी अपनी जिंदगी को बिता रहे हैं, मगर उनके ऊपर एक टैग तो लग ही चुका है। यहाँ बात करते हैं चौथी एक्ट्रेस की और ये एक्ट्रेस है श्रीदेवी। श्रीदेवी काफी ज्यादा पॉपुलर रही है अपने पूरे के पूरे बॉलीवुड करियर में। आज वो हमें छोड़कर जा चुकी है और उनकी यादें हर किसी को खूब सताती है। श्रीदेवी का जब भी नाम सामने आता है तो एक कॉन्ट्रोवर्सी खड़ी हो ही जाती है कि उन्होंने बोनी कपूर से प्यार किया और उनका पहला रिश्ता भी तुड़वा दिया मोना कपूर से, जिस वजह से अर्जुन कपूर सारी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ श्रीदेवी से खफा ही रहे। तो वही दूसरी ओर सिर्फ बोनी कपूर ही ऐसे नहीं थे, उन्होंने मिथुन चक्रवर्ती का भी घर तुड़वाने की कोशिश की थी। यहाँ योगिता बाली जो कि मिथुन की पत्नी है वो इस रिश्ते को बचा चुकी थी, तो वही इस रिश्ते को बचाया था बोनी कपूर ने भी, जो कि रियोमर्स ये कहते हैं कि मिथुन और श्रीदेवी चोरी छुपे शादी कर चुके थे, लेकिन बोनी को ये बात पसंद आई नहीं। लेकिन बोनी कपूर ने भी इस रिश्ते को काफी हद तक बचाने की कोशिश की थी और इनका रिश्ता तोड़वाने की कोशिश करने के साथ ही उन्होंने श्रीदेवी को कह दिया था कि अगर सच में तुम मिथुन से प्यार नहीं करती हो और मुझसे प्यार करती हो तो जाओ और मिथुन को राखी बांध दो, और ऐसा हो भी गया था। वेल, इस लिस्ट को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं सुजैन खान की। अब भाई आप सोचेंगे कि सुजैन ने ये रिश्ता किसका तोड़वा दिया है, तो वो है माहिरा और अर्जुन रामपाल का रिश्ता। ऋतिक से जब अलग हुई सुजैन तो सुजैन का प्यार बन गए थे अर्जुन रामपाल। इन दोनों के बीच की नजदीकियां देखने को मिल रही थी और इसी वजह से अर्जुन और उनकी पत्नी का रिश्ता टूटता जा रहा था, मगर यहाँ सुजैन और अर्जुन का रिश्ता भी पनप नहीं पाया, जिस वजह से अर्जुन की जिंदगी में अब कोई और आ चुकी है जिनके बच्चे के वो पिता बनने जा रहे हैं बिना शादी के। तो वहीं दूसरी ओर सुजैन अपनी जिंदगी को अकेले ही बिता रही है अपने दोनों बच्चों के साथ। इस लिस्ट में रानी मुखर्जी भी आती है जो कि एक नहीं दो दो रिश्ते को तोड़वाती हुई सामने आई। पहला रिश्ता तो आता है गोविंदा का, लेकिन इसमें वो कामयाब बिल्कुल नहीं रही थी। इन दोनों का लव अफेयर काफी ज्यादा परवान चढ़ चुका था, मगर बता दे कि गोविंदा की पत्नी ने कमान काफी सही वक्त पर खींच ली थी और ऐसे में। लेकिन रानी मुखर्जी एक रिश्ते को तोड़वाने में काफी ज्यादा कामयाब रही और ये रिश्ता था आदित्य चोपड़ा का। आदित्य के साथ लव अफेयर काफी सालों तक रानी का चला और वो उसे लगातार छुपाती चली गई, लेकिन आदित्य की पत्नी को इस बारे में जरूर पता चल गया था और लड़ाई झगड़े बढ़ते ही गए थे। यहाँ पर आदित्य ने पूरी तरह से फैसला ले लिया अपने पहली पत्नी से अलग होने का और रानी से शादी करने का। डिवोर्स तो वो दे चुके थे, लेकिन रानी से शादी हो नहीं पाई और जब ये शादी हुई तो वो भी चोरी छुपे जाकर हुई इटली में। वेल, इस लिस्ट में दो नाम और
भी शामिल होते हैं, जैसे कि बाबरा मोरी जो कि नजर आई थी ऋतिक रोशन के साथ फिल्म काइट में। उस वक्त ये सुर्खियां काफी ज्यादा बढ़ गई थी कि ये फिल्म में काफी ज्यादा फिजिकल सीन दे रहे थे और ऐसे में इन दोनों के बीच रियल से ज्यादा रियल भी बॉन्ड स्ट्रांग होने लगा था। बाबरा और ऋतिक एक दूसरे के काफी ज्यादा करीब आ रहे थे और इसी वजह से सुजैन के साथ ऋतिक का ये रिश्ता थोड़ा सा बिखरने लगा था और ये रिश्ता उस वक्त टूटने की कगार पर ही था। लेकिन इसी के साथ कॉन्ट्रोवर्सी बढ़ती गई और ऋतिक को छोड़ना ही पड़ा बारबरा मोरी को। और अब इस लिस्ट में आखिरी नाम आता है लेजेंडरी एक्ट्रेस एवरग्रीन एक्ट्रेस रेखा का। उन्होंने कोशिश भी नहीं की रिश्ते को तुड़वाने की, मगर उनका प्यार जरूर उस रिश्ते को तोड़ सकता था। ये रिश्ता था उनका अमिताभ बच्चन के साथ। अमिताभ के साथ ये कहानी उस वक्त आगे बढ़ रही थी जब पहले से ही अमिताभ शादीशुदा थे जया बच्चन के साथ। जया को जैसे ही इस रिश्ते के बारे में पता चला तो उन्होंने बहुत ही समझदारी के साथ और सटल तरीके के साथ इस रिश्ते को बचाने की कोशिश की थी और रेखा से अकेले में बात कर उन्होंने इस रिश्ते को बचाना बिल्कुल बेहतर समझा था। और जिसके बाद अमिताभ को जैसे ही ये बात पता चली कि रेखा और जया के बीच इन सभी चीजों को लेकर बात हुई है तो अमिताभ काफी ज्यादा डर चुके थे और उन्होंने इस रिश्ते को संभालने के लिए रेखा से अलग होने का ही फैसला ले लिया। तो दोस्तों ये थी वो एक्ट्रेसेस जिन्होंने रिश्ता तुड़वाया और कहीं तुड़वाने की कोशिश भी की, किसी में वो कामयाब रही तो किसी में नहीं। लेकिन आज चाहे जो भी हो उनमें से कुछ अपनी जिंदगी को हंसी खुशी बिता रही हैं तो कुछ नहीं। लेकिन हाँ अगर आपके इस बारे में कोई ख्यालात हैं वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएगा और इसी के साथ इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब के बिना बिल्कुल ना जाए।